नाग पंचमी का त्यौहार, नाग पंचमी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत करने से, नागों का पूजन करने से मनुष्य को सर्प दंश का भय नहीं होता। दूसरी बात, इसके अनेकों प्रकार के मत हैं। भविष्य पुराण में एक मत आया है कि जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था उस दिन नागों ने अपनी माता का कहना नहीं माना था। माता ने एक बात कही थी कि जब देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं तो तुम्हें उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी माता को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का ये परिणाम मिला कि माता ने इनको श्राप दे दिया कि जिस समय कलयुग में राजा जनमेजय सर्प यज्ञ करेंगे उस समय तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। जब उन्होंने श्राप दिया, राजा जनमेजय ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में संपूर्ण जितने भी सर्प थे पृथ्वी के वो सभी सर्प उस यज्ञ में जल करके विध्वंस होने लगे। उस समय एक जरत्कारु महामुनि थे, उनके पुत्र थे आस्तिक। तो सभी सर्प जो बचे हुए थे वो आस्तिक मुनि की शरण में पहुंचे और वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगे। तो आस्तिक मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार से इन सर्पों की रक्षा की और दूध से, जो सर्प जल रहे थे या अध जले थे उनको दूध से स्नान करा करके उनको शीतल किया, ठंडा किया। सौभाग्य की बात के उस दिन पंचमी तिथि थी जिस समय जनमेजय ने यज्ञ किया, उसी दिन से नाग पंचमी के नाम से ये विख्यात होने लगी। दूसरा मत लोगों का ये है कि इसी पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कालिया नाग को भी नाथा था, कालिया नाग को नाथा। और जिस यमुना में, काली देह में जहाँ पर वो कालिया नाग रहता था वहाँ से उसको भगाया। जब वो जाने लगा उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा यहाँ के अलावा और कहीं कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, आप जहाँ मुझे भेज रहे हैं वहाँ गरुण खा जाएगा, मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा, लोग आज हमसे डरते हैं। तो भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि तुम परेशान न हो, तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह बने हुए हैं, गरुण तुम्हें कुछ नहीं करेगा। सौभाग्य की बात यह है कि उस दिन भी श्रावण शुक्ल की पंचमी ही थी, भगवान ने उस कालिया नाग को ये वरदान दिया कि तुम परेशान न हो, आज के दिन मैंने तुम्हारा मर्दन किया है इसलिए लोग आज से तुम्हारी पूजा किया करेंगे और आज का दिन नाग पंचमी के नाम से विख्यात होगा। लेकिन आज के दिन पूजा करने से, कोई भी व्यक्ति यदि आज के दिन नागों की पूजा करता है तो पहली बात तो ये है कि जैसे कुंडली के अंदर, जन्म पत्री के अंदर विष योग होता है, काल सर्प योग होता है, उस योग की शांति होती है। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष इत्यादि लगे हुए हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए भी हम नाग पूजन करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आज के दिन नागों का पूजन करता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी कुंडली के अंदर विषयोग इत्यादि समाप्त हो जाएंगे और पितृदोष जो लगा हुआ है, पितरों का जो आशीर्वाद नहीं मिल रहा है वो आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होने लगेगा। तीसरी बात, उसे जीवन में कभी भी सर्पदंश का भय नहीं होगा।